जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, अपनी रक्षा का लिया वचन। इस पर्व के अवसर पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में यात्रियों की दिखी भारी भीड़। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लखनवाड़ा में गुरुवार की सुबह एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से घर में सो रहे पिता पुत्र दीवार में दबकर गंभीर रूप से हुए घायल। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। सीआरपीएफ 123 बटालियन के जवानों और रुपजर थाने में पदस्थ स्टाफ की सुनी कलाइयों में बांधी गई राखी। सर्वधर्म सेवा समिति उगवा के द्वारा किया गया आयोजन। जंगल में अनजान जगह पर इतना प्यार पाकर भाव विभोर हुए जवान। जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम मुरझड़ निवासी यशवंत भिमते के घर की दीवार हुई धराशायी। सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया परिवार को, चला बड़ा हादसा। नगर के मुख्य डाकघर बालाघाट में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की गई घोषणा। आम जनों को जागरूक करने लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी। नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बालाघाट बैयर पर उद्घाटी घाटी के पास रास्ते के बीचों बीच फंसा बड़ा कंटेनर फंस जाने से घंटों बाधित रहा आवागमन। दोनों ओर दो दो किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतारें। मार्ग को पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों ओर से किया गया बंद। परेशान यात्रियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। नगर के समीप गर्रा पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। अमित दशहरे का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। हलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरिया में एक व्यक्ति मदनलाल पिता ज्ञानी रामू के उम्र 35 वर्ष के नाले में बहने से हुई मौत। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा टोला में बकरी चराने गए एक 15 वर्षीय बालक की गड्ढे में डूबने से हुई मौत। बैयर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। हर वर्ष बारिश से नालों में बाढ़ की स्थिति से ग्राम मंजारा के ग्रामीण में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। ग्राम टबेझरी के बच्चे नहीं आ पाते हैं मंजारा के स्कूल। ग्रामीणों ने चार गांव से चंदा इकट्ठा कर पुल को ऊंचा करने का लिया निर्णय। सावन मास के अंतिम दिन गुरुवार को शाही नगर में भगवान श्री शाही का किया गया पूजन अर्चन, महाप्रसाद का किया गया वितरण। वैनगंगा नदी के पुल के ऊपर यात्री बस ने ऑटो को मारी टक्कर, यात्री बस की ठोकर से ऑटो चालक हुआ घायल। जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। सिविल लाइन से चोरी की गई मोटरसाइकिल को कोतवाली पुलिस ने नगर के झुग्गी झोपड़ी से किया बरामद। मोटरसाइकिल चोरी करने के शक में एक युवक से की जा रही है पूछताछ।